हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और हमारा लगभग लगभग 99% कंप्लीट हो चुका है, 1% में रह गया टचिंग का काम, तो वो अभी हमारा चल रहा है। और कल हमारे मेहमान आएंगे, बोला तो आज के लिए, तो पर आज नहीं आ रहे शायद। तो किचन में भी कम्प्लीट हो गई है, थोड़ा बहुत रह गया है वो कर रहे हैं भैया, तो मैं तब तक अपना बर्तन वर्तन धो के निपटा देती हूँ काम, थोड़ा स्टैंड वगैरह धो देती हूँ। ये हमारे यहाँ से पानी भी होने लग गया था, यहाँ से अंदर से भी अंदर तो रात ही करा नया नहीं तो ये तो रात ही करा था, आगे से तो पहले से किया हुआ था। चल हाँ, पीछे तो मत करो। 10 बजे भी करना। तो फाइनली लुक ये है हमारी किचन का। अभी हमने चूल्हा वूल्हा रखा नहीं है, ये देखो हम सामान रख रहे हैं धीरे धीरे। और ये विंडो हमारी खुल गई है, लेकिन ये नहीं खुल पाई है, ये दरवाजे पे भी नया पेंट हुआ है। तो अब हम चलते हैं स्टैंड में बर्तन का, बाकी कोई काम वाले या आए हुए तो है, पर पास सीमेंट नहीं है तो काम ही नहीं चल रहा है। तो हम सोच रहे हैं हम भी अपना काम निपटा लें, कुछ थोड़ा डब्बे वब्बे वगैरह धो के रख लें और मिलते हैं बाद में। Thank you.
चूल्हा वूल्हा साफ करके अब मैं जा रही हूँ, ये देखो फ्रिज का सामान सारा निकाल दिया मैंने, फ्रिज साफ करने के लिए जा रही हूँ, खोल दिया है क्योंकि ना ये देखो ये खुल नहीं रहा है, बर्फ जाम हो रहा है, बर्फ कितना है इसमें देखो कितना चमक रहा है बर्फ, ये देखो नीचे भी ये ट्रे तो निकाल लेंगे पहले इसको धो देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखियो 4 से 7 बनने वाले हैं और हमारे लिए बर्फ अभी तक पिघला तक नहीं, मेरा सामान सारा ऐसे पड़ा होया, खाना पीना तो मेरा रेडी हो गया है, अब मैं सोच रही हूँ साथ पूजा कर लेती हूँ, जब तक ये पिघलेगा तब तक हो जाएगा मेरा। देखिए कड़ी भी तैयार है मेरी बनके, आटा भी कर दिया मैंने और पकौड़ियाँ भी रखी हैं कुछ बची हुई जो मुझे खानी है, ऐसे क्या करूँगा बस, ये थोड़ा ना ये बर्फ पिघल जाती है वाली, अभी तक पिघली नहीं है देखो, ये देखो नीचे की नहीं पिघली, फिर भी कुछ हल्की हो गई है, पर अब हम चलते हैं पूजा कर लेंगे हाथ धो के, उसके बाद करेंगे ब्लॉगिंग होगी तो, पर मन नहीं है, पैर दुखने लग गए बहुत ज़्यादा। ओके बाय, अभी झाड़ू भी लगानी है ना वहाँ पे, देखो कितना गंदा पड़ा है उस साइड ना, वो काम करेंगे पहले।